हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसा कि आपको डाउट था कि जो बीएड सेकंड ईयर में या फिर एमएड सेकंड ईयर में ऑब्जेक्टिव टाइप के कितने क्वेश्चन रहेंगे, उसके बारे में यहाँ पर पूरा खुलासा किया गया है। कानपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर ये पीडीएफ उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं खुद। ठीक है, तो वैसे तो ये दो तीन दिन पहले की न्यूज़ है, लेकिन थोड़ा साइट में अपडेट होने की वजह से एक दो दिन लेट आती है, और हो सकता है आपको ऑलरेडी पता चल चुका हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको सबसे पहले प्रोवाइड करा रहा हूँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो मुझसे लोग जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों को अभी पता नहीं चल पाया होगा, है ना। तो यहाँ पर चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इसमें ऊपर कुछ नहीं है, बस यहाँ पर संशोधित आंशिक संशोधन करने के संबंध में। जैसा कि मैंने बताया था, पिछली बार जो पीडीएफ प्रोवाइड की गई थी ऑफिशियल साइट पर, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं था कितने क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर सीधे सीधे देखिए बताया गया है कि जो है संदर्भ में बीएड एमएड द्वितीय वर्ष का परीक्षा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है, और जिसकी परीक्षा जो भी मतलब इस तारीख से कराई जाएंगी, ये सब डेट दी है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट्स आपके हैं, सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा बहुविकल्पी मतलब OMR बेस्ड होगी। OMR शीट जानते हैं ना, जिसमें गोले भरने होते हैं, है ना। और बीएड में प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 75 प्रश्न करने होंगे। जी हाँ, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 75 प्रश्न करने होंगे, और एमएड वालों के लिए 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 50 करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र को हल करने के लिए विद्यार्थी को 90 मिनट का समय मिलेगा। तो जी हाँ, 1.5 घंटे का समय है, और आपको 100 में से 75 प्रश्नों को हल करना है। बहुत मुश्किल नहीं है, यहाँ पर टाइम आपका मैनेज हो जाएगा, है ना। किस तरीके से हल करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, बहुत इजी, आप खुद समझ सकते हैं। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर बाकी का जो नीचे पूरा वही दिया ही है, है ना, डेट शीट जो दी गई थी पहले, सेम वही है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया है, हर प्रश्न पत्र से 75 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेडी हो जाइए आप लोग, है ना, 100 प्रश्नों के लिए। और वो 100 प्रश्न कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, जिसका जितना मुझसे हो सकता है मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं पूरा प्रोवाइड करा दूँगा पूरा कोर्स, लेकिन उस दिन तक जितना हो पाए हेल्प लीजिए। मैं ये नहीं कहता मेरी ही, कई लोगों की हेल्प लीजिए, जिसकी आपकी आपसे समझ में आए, जिसको, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए उसी से पढ़िए प्लस। लेकिन मैंने ये ज़रूर बताया कि किस तरीके से आप अपनी पूरी मतलब पूरे सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कई सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड हों आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।